पौधे में सूर्य के सीधे किरणें नहीं पहुंचनी चाहिए। ये देखो ये काला पड़ जाता है वैसे तो इसमें, इसलिए इसमें इसको सेड, ये आप लोग बोल बोल सकते हैं कि ग्रीन एक वादी जालीदार क्रोम पौधे, ये सब बहुत नाजुक रहते हैं, वाटर प्लांट है ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी। इसी चाहिए इसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए और इसमें धूप की कम मात्रा रहनी चाहिए। देखो ये से ये गर्मी के दिन में पौधे पूरे खराब हो जाते हैं, ये तो बहुत, फिर भी मैंने इसको बहुत तैयार रखा है इसको, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये कितना छोटा पत्ता है, ये कैसे होगा ये सब। ये मनी प्लांट के परे हैं, इसको है ना बरसात के दिनों में, ये बारिश स्टार्ट होती है ना जब, परे का इस्तेमाल करके पौधे को लगाना चाहिए। ये परे बहुत कीमती होते हैं और ये गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, इसमें एक रोग लग जाता है, ये देखो ये सूखा हुआ परा दिख रहा होगा आपको हाथ के अंदर कहीं, ये परे हैं, ये सूख चुके हैं गर्मी के दिनों में, सूख जाते हैं ये। अभी इसको मैंने आद्रता देते रहा रखनी पड़ती है, ये देखो ये खराब हो जाते हैं पूरा एकदम, ये सब गर्मी की डिसीज लगी है इनके अंदर, सहारे की जरूरत रहती है। जैसे मैंने ये रखा है इसमें ना नमी युक्त बना बना रहता है, देखो ये एकदम उसकी जालीदार रहता है, तो ये है ना सभी इसके रोम को देखो सही रहता है। ये देखो ये मैंने जैसे ये बेला जैसी चलाई हुई है, हर बेला को उसे गुजते गया हूँ मैं अंदर, तो इससे क्या होता है एक दूसरे इसके संपर्क में रहते हैं ये, तो ये नमी को इकट्ठा करते हैं। ये देखो आपको बताया था मैंने पहली बार, रोम रोम नमी वायुमंडल से नमी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ये फंगल डिजीज है, कोई गर्मी के दिनों में ज्यादा दिखता रहा है वो, ये भी फंगल डिजीज के उसमें आ गया है, फंगल डिजीज है ये सब उसकी। एक और चीज ये देखो ये पूरा फंगस डिसीज में आता है ये देखो ये पत्ती का पानी ऐसे इस कलर का हो जाता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है, इसमें मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, ना 2 टाइम यूज कर सकते हैं इसको अपन, हर 15 दिन में आपको ये पानी मनी प्लांट में डालना पड़ेगा, और बरसात के दिनों में थोड़ा कम, गर्मी और ठंड के दिनों में ज्यादा डालना पड़ता है, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी रहती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती उसे। मनी प्लांट के पौधे में अब हम चाय का पानी डाल रहे हैं, चाय पत्ती का पानी डाल रहे हैं, इससे नाइट्रोजन की अधिकता रहती है, जैसे अपन सीधे डाल देते हैं इसको, ये मेरा 5 साल का पौधा हो चुका है इसलिए मैं सीधा इसको डाल देता हूँ, नहीं तो 1 लीटर या आधे लीटर के पानी में कम से कम डालना चाहिए। ये लाल मिट्टी है, ये मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसमें जल निकास भी अच्छा होता है, और अपन थोड़ी सी रेत को मिलाया जाता है, ये देखो ये तो इसको थोड़ा मिला के, आपके इधर लाल मिट्टी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, काली मिट्टी से जल निकाल ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, थोड़ा चिपचिपी रहती है वो मिट्टी है। अब थोड़ा सा अपन कंपोस्ट मिलाते हैं, FBM कंपोस्ट जो भी मिल जाए आपको, मेरे पास कंपोस्ट है, केचुए खाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा यूरिया DAP मिला सके तो अच्छी बात है, ये जिसमें अपन ने DAP यूरिया और फास्फोरस MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, अब इसको अच्छे से मिला के तैयार करा जाता है।